नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली वर्क सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना फॉर्म भरा था और आप इस योजना के तहत पात्र हैं और फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन रीजन आता है रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट लेवल या रिजेक्ट बाई स्टेट लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो आप अपने इस रिजेक्ट फॉर्म को कैसे सही करा पाएंगे, इस वीडियो में हम इसके बारे में सारी जानकारी बताने वाले हैं। आप अपने इस रिजेक्टेड फॉर्म को रिजेक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट, रिजेक्ट बाई स्टेट, इस फॉर्म को कैसे आप सही करा पाएंगे, सारी डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। आप किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, इसके बाद इसमें लिखेंगे पीएम किसान। पीएम किसान इतना लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पहली ही वेबसाइट आ जाएगी, पीएम किसान सम्मान निधि। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेंगे, आप डायरेक्ट पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको तीसरे नंबर पर मिल जाएगा स्टेटस फॉर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो आप अपना स्टेटस यहीं से ही चेक कर पाएंगे। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। पहले ऑप्शन आपको इसमें आधार नंबर डालने का आ जाएगा, इसी के साथ में यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना होगा, जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिख रहा है, फिर सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको सिंपली सारी डिटेल भर लेते हैं, हम यहाँ पर आपको चेक करके दिखाते हैं। सारी डिटेल भरने के बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक किसान का स्टेटस ओपन होके आ गया है। यहाँ पर दिखा रहा है रिजेक्ट बाई स्टेट, इनका फॉर्म स्टेट की तरफ से रिजेक्ट हो गया है। इन्होंने 2/6/2020 में इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। अब हम यहाँ पर बताएंगे यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो कैसे सही करेंगे। यहाँ पर रिजेक्ट दिखा रहा है, इसके लिए बैक करेंगे, फिर से पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको चौथे नंबर पर मिल जाएगा अपडेशन फॉर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। आपको सिंपली अपने फॉर्म को करेक्शन करने के लिए अपडेशन फॉर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ, 50% ऐसे किसान हैं जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, वो यहाँ पर करेक्शन किए जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी किसान ऐसे भी होते हैं जिनके फॉर्म यहाँ पर करेक्शन नहीं हो पाते हैं। हम यहाँ पर बताएंगे किन किसानों के यहाँ पर करेक्शन होंगे और किन किसानों के यहाँ पर करेक्शन नहीं हो पाएंगे। इसके लिए आपको सिंपली इस पर ओपन करना है, यहाँ पर आपको उसी प्रकार से यहाँ पर अपना आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा कोड और फिर सर्च का ऑप्शन दिख जाएगा। आप यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है रिकॉर्ड नॉट फाउंड फॉर करेक्शन, इट इज़ करेक्टेड। यहाँ पर ये दिखा रहा है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यहाँ पर करेक्ट है और इसे आप सही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर, यदि आप यहाँ पर अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तब भी नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आधार रजिस्टर्ड फार्मर बताता है आपका पीएम किसान में पहले से ही रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है। यहाँ पर आप उस फॉर्म को करेक्ट नहीं सही नहीं कर पा रहे हैं, आपका फॉर्म ओपन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना है, कैसे आप अपने फॉर्म को सही कर पाएंगे। आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तब भी आपका यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड बताता है, और यहां पर जब करें आपके फॉर्म को रिजेक्ट है तो इसे सही करने जाते हैं तो यहां पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड करेक्टेड बताता है। इसके लिए आपको सिंपली फिर से बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे ही नंबर पर मिल जाएगा न्यू फार्मर रजिस्टर्ड। सिंपली आपको यहाँ पर न्यू फार्मर रजिस्टर्ड वाले फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दिख जाएंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पर रूरल से यदि आप हैं तो यहाँ पर रूरल का एक पहले ही ऑप्शन में रूरल एरिया से आते हैं या अर्बन एरिया से आते हैं तो अर्बन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है, फिर नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर अपना फिल कर लेना है, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी स्टेट से आप आते हैं अपना स्टेट अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा कोड फिल करना है, फिर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है गेट ओटीपी, आपको सिंपली गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखा दिया है दिस आधार नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यह पहले से ही पीएम किसान पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, इसे आप दोबारा से रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, आप अपने फॉर्म को सही नहीं कर पाते हैं, तो कैसे आप अपने फॉर्म को सही करेंगे। कई तरीके हमने आजमा लिए लेकिन फॉर्म यहाँ से करेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, कैसे आप अपने रिजेक्ट फॉर्म को सही कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर फिर से ओके करना है, ओके करने के बाद आपको फिर से बैक पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से आ जाना है।
यहाँ पर बैक करेंगे, फिर से पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा तरीका आजमाते हैं, यहाँ पर ई केवाईसी का एक ऑप्शन मिल जाएगा पहले नंबर पर, आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है, यहाँ पर आधार नंबर अपना फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन दिखेगा, सर्च करते हैं तब भी वही दिक्कत आ रही है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड या पहले रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड इसका मैच नहीं कर पा रहा है। यहाँ से भी आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। फिर इसको आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बता रहा है। फिर इसको आपको हम पाँचवा तरीका चौथा तरीका बताएंगे कैसे आप अपने फॉर्म को सही कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको सिंपली पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे फिर से होम पेज पे आ जाना है। जैसे वहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिख जाएगा। सही से आप देखिए, यहाँ पर डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली आपको यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट का एक ऑप्शन दिखेगा, फिर सब डिस्ट्रिक्ट का दिखेगा, फिर यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट, फिर यहाँ से विलेज, ये चार ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। इसी के नीचे आपको अपना यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप आते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। फिर सब डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ से अपना विलेज, जिस भी विलेज में आपकी खतौनी या आपका खतरा या खेती है उसे यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपको विलेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से चार ऑप्शन आ जाएंगे, समरी, पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस, यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस, फिर आपको यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आपको चार ऑप्शन दिख जाएंगे। सिंपली आपको अपना ऑनलाइन रजिस्टर्ड स्टेटस चेक करना है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, इसको आप ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे। इस प्रकार से आपको इसको ऊपर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर्ड रिसीव जितने भी रिसीव हुए हैं वो मिल जाएंगे, ऑनलाइन रजिस्टर्ड एक्सेप्टेड, यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्टर्ड रिजेक्टेड, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेंडिंग, जितने यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको चेक करना है आपका फॉर्म रिजेक्ट। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो आप 100% अपने फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे, यदि आपका यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है तो आप अपना फॉर्म करेक्शन नहीं कर पाएंगे। पहले आपको यहाँ पर रिजेक्टेड लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद यदि आप केवल ये अपना फॉर्म केवल एक बार ही करेक्शन कर पाएंगे, पहले आप यहाँ पर अपना चेक कर लेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्टेड लिस्ट में है या पेंडिंग लिस्ट में है। पेंडिंग लिस्ट में है तब भी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, रिजेक्टेड लिस्ट में है तब भी आप अपने फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।